हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को जो ये तीन क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रहे हैं इन क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि पाली प्राकृति एवं लौकिक संस्कृति पर चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली प्राकृति और लौकिक संस्कृति प्राचीन भारतीय भाषाएँ हैं जो साहित्यिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो अभी जो है हम इनके बारे में संक्षेप में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है पाली जो हेडिंग है वो डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी परिचय। तो हम इसमें लिखेंगे कि पाली भाषा बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा मानी जाती है और इसमें बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे कि त्रिपिटक लिखे गए हैं। फिर इसके बाद हमारा जो है उत्पत्ति हो जाएगा इसमें नेक्स्ट हेडिंग। इसमें हम लिखेंगे कि पाली की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय भाषाओं से हुई और इसे मगधी या मगधी प्राकृति का एक रूप माना जाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी महत्व। तो इसमें हम लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इस भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यह आज भी थेरवादी बौद्ध परम्परा में उपयोग की जाती है। उसके बाद हमारा जो है इसमें फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा प्राकृति। तो इसमें हम लिखेंगे हेडिंग परिचय। प्राकृति शब्द का अर्थ है प्राकृतिक या साधारण भाषा। प्राचीन भारत में आम जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को प्राकृति कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी प्रकार। तो इसमें हम लिखेंगे प्राकृति कई रूपों में विकसित हुई जैसे कि सौरसेनी, मागधी, अर्थमागधी, महाराष्ट्री आदि। फिर इसमें हम हेडिंग डालेंगे साहित्य। तो इसमें हम लिखेंगे प्राकृति साहित्य में महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ जैसे कि आगम और संस्कृत नाटकों में संवाद प्राकृति में मिलते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी लौकिक संस्कृति। तो इसमें हम लिखेंगे परिचय। लौकिक संस्कृति वह संस्कृति है जो वैदिक संस्कृति के बाद विकसित हुई और साहित्य, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्रों में उपयोग की गई। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी वैदिक संस्कृति से भिन्नता। इसमें हम लिखेंगे कि लौकिक संस्कृति व्याकरण और शब्दावली में वैदिक संस्कृति से थोड़ी भिन्न है और इसे प्राणिनि के अष्टाध्यायी द्वारा मान्यीकृत किया गया। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी साहित्य। तो इसमें हम लिखेंगे कि लौकिक संस्कृति में महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत और कालिदास जैसे कवियों का साहित्य मिलता है शामिल है। फिर यहाँ पे हमारा जो है इसमें सारांश हो जाएगा कि पाली प्राकृति और लौकिक संस्कृति तीनों भाषाओं ने भारतीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पाली बौद्ध धर्म का मुख्य माध्यम बनी प्राकृतिक भाषाओं ने आम जनता और साहित्यिक रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान पाया और लौकिक संस्कृति ने साहित्य, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्रों में अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, उसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनतकालीन जजिया, जकात, खम्स एवं खराज नामक करों पर प्रकाश डालिए। तो अब जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि सल्तनतकालीन भारत में जजिया, जकात, खम्स और खराज जैसे करों का महत्वपूर्ण स्थान था। ये कर विभिन्न धर्मों और आर्थिक गतिविधियों पर आधारित थे और इस्लामी शासन व्यवस्था के अधीन लागू होते थे। आइए इन करों पर विस्तार से चर्चा करें। फिर हम जो है जजिया हेडिंग डालेंगे और इसमें जो है हम फिर से यह जजिया जो है मेन हेडिंग होगी और फिर हमारी जो है परिभाषा हेडिंग हो जाएगी कि जजिया एक कर था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे इस कर को गैर मुसलमानों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बदले में वसूला जाता था। फिर प्रभाव, इस कर को देने वाले गैर मुसलमानों को इस्लामी राज्य के अधीन सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा जकात। तो इसमें हम लिखेंगे कि परिभाषा,
ज़कात इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर है, जिसे मुस्लिमों द्वारा अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए दान करना होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा नियम, तो इसमें हम लिखेंगे ज़कात आमतौर पर संपत्ति का 2.5% होता है और यह केवल संपत्ति की एक निश्चित सीमा से ऊपर वाले लोगों पर लागू होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा खम्स, इसमें हम परिभाषा हेडिंग डालेंगे कि खम्स एक इस्लामी कर है जो युद्ध में प्राप्त संपत्ति, खनिज संपत्ति और कुछ विशेष आय के स्रोतों पर लगाया जाता है। फिर नियम हेडिंग होगा खम्स का शाब्दिक अर्थ पांचवा हिस्सा है, यानी यह आय का 20% हिस्सा होता है। फिर उद्देश्य जो है हमारा हेडिंग हो जाएगा यह कर इस्लामी राज्य के संचालक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। फिर हमारा जो है इसमें नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा खराज, तो इसमें हम परिभाषा हेडिंग डालेंगे कि खराज एक भूमि कर था जो मुस्लिम और गैर मुसलमानों दोनों पर लागू होता था। फिर नियम हेडिंग होगा यह कर भूमि की उपज और उसकी उत्पादकता के आधार पर वसूला जाता था। फिर उद्देश्य हमारा हेडिंग हो जाएगा कि खराज कर को कृषि और भूमि से जुड़ी आय के स्रोत के रूप में राज्य के खजानों में जमा किया जाता था। फिर हमारा जो है यहाँ पे सारांश हम हेडिंग डालेंगे कि सल्तनत कालीन भारत में जजिया, जकात, खम्स और खराज जैसे करों ने इस्लामी शासन की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने और सामाजिक न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जजिया गैर मुसलमानों पर सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बदले में लगाया जाता था। जकात मुस्लिमों द्वारा ज़रूरतमंदों के लिए दिया जाने वाला धार्मिक कर था। खम्स विशेष आय स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर था और खराज भूमि से उपजने वाली आय पर आधारित था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब हम जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका जो आंसर है वो यहाँ पे जो है देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन है तराना, ठुमरी, कवाली एवं ख्याल पर चर्चा कीजिए। तो हम आंसर में इसके लिखेंगे कि भारतीय संगीत की धरोहर में तराना, ठुमरी, कवाली और ख्याल का महत्वपूर्ण स्थान है। ये चारों शैलियाँ भारतीय शास्त्रीय और सूफी संगीत की विविधता और गहराई को दर्शाती है। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करें। तो हम सबसे पहले तराना हेडिंग डालेंगे और इसमें जो है हमारी हेडिंग होगी परिभाषा कि तराना एक भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली है जिसमें ताल और सुर का मिश्रण होता है। फिर विशेषताएं हमारी हेडिंग होगी, इसमें बोलों के बजाय ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो किसी भाषा के ना होकर ध्वनियों पर आधारित होती हैं, जैसे नाधिर, धीर, तुम आदि। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा इतिहास, ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने इस शैली का विकास किया था। फिर उद्देश्य हम हेडिंग डालेंगे कि तराना में संगीतकार राग की जटिलताओं को सरलता से प्रदर्शित कर सकते हैं और यह राग की खूबसूरती को दर्शाने का एक माध्यम है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा यहाँ पे ठुमरी, तो इसको हम लिखेंगे परिभाषा कि ठुमरी एक अर्धशास्त्रीय संगीत शैली है जिसमें प्रेम, भक्ति और सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी विशेषताएँ, तो इसको हम लिखेंगे ठुमरी में बोल, बनाव और अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है और यह ताल में ढली होती है, इससे बोल प्राय वज्र भाषा में होते हैं। फिर इतिहास हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा इसी में कि ठुमरी का उद्गम उत्तर भारत में हुआ और यह 19वीं शताब्दी में अवध के दरबारों में लोकप्रिय हुई। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे यह शैली मुख्य रूप से कथक नृत्य के साथ जुड़ी होती है और इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए संगीत का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा कवाली, तो इसमें हम लिखेंगे परिभाषा कि कवाली एक सूफी संगीत शैली है जिसमें आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं का गठन होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा विशेषताएं, इसमें हम लिखेंगे कवाली समूह में
गाई जाती है और इसमें मुख्य गायक और सहायक गायक होते हैं। इसमें हारमोनियम, तबला और ढोलक का प्रयोग होता है। फिर इतिहास हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा कि कव्वाली का उद्भव 13वीं शताब्दी में हुआ और इसे अमीर खुसरो ने लोकप्रिय बनाया। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य सूफी संतों और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा ख्याल। इसमें हम लिखेंगे परिभाषा कि ख्याल भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख शैली है जिसमें कल्पना और रचनात्मक का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर विशेषताएं लिखेंगे हम कि ख्याल में आलाप तान, बोल तान और सरगम का विशेष उपयोग होता है। इसके बोल सामान्यतः उर्दू या हिंदी में होते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा इतिहास। तो इसमें हम लिखेंगे ख्याल शैली का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ और इसे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में संरक्षण मिला। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा उद्देश्य। तो इसमें हम लिखेंगे ख्याल में गायक अपनी रचनात्मक और राग की गहराई को प्रदर्शित करता है और इसमें लयकारी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर आगे जो है हम सारांश लिखेंगे कि तराना, ठुमरी, कव्वाली और ख्याल भारतीय संगीत की विविधता और गहराई को दर्शाते हैं। तराना शुद्ध ध्वनियों पर आधारित होता है, ठुमरी भावनाओं की अभिव्यक्ति पर केंद्रित होती है, कव्वाली सूफी भक्ति और आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करती है और ख्याल एक रचनात्मक का माध्यम होता है। इन सभी शैलियों ने भारतीय संगीत को समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाया है। तो दोस्तों ये थे इन तीन क्वेश्चंस के आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।